सभी को मेरा महान है। और आज ये केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है मेरा, कार्बन इस कंपाउंड का सेकंड लेक्चर है। और इसमें मैं आपको डायमंड क्या होता है उसके बारे में, प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत कुछ बताऊंगा, देखते क्या होता है। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया डायमंड के बारे में, मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हमारा ये कहता है, बोर्ड में आ सकता है 3 मार्क के लिए। तो सबसे पहले अपन पहले मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आप भूल जाइए, पहले मैं आपको बताऊँ डायमंड क्या होता है। डायमंड को अगर आप जलाओ, सबसे पहले तो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो, ये तो सबको मालूम रहता है। अगर आप डायमंड को जलाओगे, बंद करोगे, तो आपको कार्बन मिलेगा। कार्बन मिलेगा आप अगर डायमंड को जलाओगे। तो अपन अपना आंसर बनाते हैं। आंसर नंबर वन, एज वी ऑल नो डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। एज वी ऑल नो डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, मतलब जो डायमंड है वो कार्बन का बना हुआ है। जैसे अपन उसको जलाएंगे तो कार्बन ही निकलेगा। तो एज वी ऑल नो, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन रहेगी हमेशा आंसर फ्रेम करने की। एज वी ऑल नो डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। एज वी ऑल नो डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, पहले हिंदी में बात करेंगे। तो हिंदी में क्वेश्चन आया डायमंड के बारे में, बताइए वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों है, बैड कंडक्टर क्यों है। तो एस बी ऑल डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, हम सभी को मालूम है डायमंड कार्बन से बना है। एस बी ऑल डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। इन डायमंड, इन डायमंड ईच कार्बन एटम, इन डायमंड ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन का एटम, इन डायमंड ईच कार्बन एटम In diamond, each carbon atom is surrounded by, as we all know, diamond is made up of carbon. In diamond, each carbon atom is bonded with four other carbon atoms. तो जो मैंने ये लाइन लिखी है, मैं आपको उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी में आपको ज्यादा से समझ में आएगा। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद फोर अदर कार्बन एटम, जो हर एक कार्बन, मतलब एक एटम होता है कार्बन का, वो अलग अलग फोर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है। तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड बाय फोर अदर कार्बन एटम। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लेंगे, जैसे ये लाइन सुनेंगे, और डायग्राम एक आंसर का पार्ट रहेगा। तो कार्बन का एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जैसा कि मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.4। तो 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, और ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम। एक और कार्बन एटम, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक और कार्बन एटम, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, और एक और कार्बन एटम, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 अदर इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड रहता है। अब और एक और बना दीजिएगा, आप और बना सकते, पूरा पेज भर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए इतना बहुत रहेगा, नहीं तो हर एक का बना सकते तो वो इंफिनिटी तक जाएगा, खत्म नहीं होता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम, जैसा कि मैंने आपको ये डायग्राम बताया। तो ये डायग्राम हमारे हमारे क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, ये डायग्राम हमारे क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। एज यू ऑल नो डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम, विद 4 अदर कार्बन एटम। And after that, no. And after that, each carbon atom is bonded. Then, English में frame करके लिखेंगे. All carbon atom is bonded. And no electron is free to carry the charge. So who will carry the charge? अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तो चार्ज कौन कैरी करेगा? इस कारण डायमंड बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बाउंडेड है, सब फोर से बाउंडेड है, तो कैरी कौन करेगा चार्ज? तो आप लिख देंगे, who will carry the charge?
ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर है, एज यू ऑल नो डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, एज यू ऑल नो डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, इन डायमंड ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन आइटम, देन ऑल कार्बन आइटम इज बाउंडेड एंड नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू कैरी द चार्ज, सब कार्बन आइटम एक दूसरे से बाउंडेड है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है चार्ज को कैरी करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा ही नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट पैदा ही नहीं होगा तो वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर बन जाएगा डायमंड, इस कारण से डायमंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको डायग्राम के साथ, आप बनाएंगे पूरा क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसकी दूसरी प्रॉपर्टी करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या है। एंड थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड मार्क नरवदे।